हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, नीट पीजी 2021 एग्जाम से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2021 में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल जरूर कर दें। आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। चलिए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको एनबीए के ऑफिशियल साइट पर जाना है। एनबीए के ऑफिशियल साइट पर जाते ही जाके गूगल पे सर्च मारना है www.netboard.edu.in, यानी कि एनबीए भी बस सर्च मारेंगे तो आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे देखिए साइट में आ रहा है न्यू नीट पीजी 2022, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके से फॉर्मेट आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, अपलोड इंस्ट्रक्शन पे जाना है। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। इससे पहले आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। फॉर्म भर फिल करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे लिखना है डिक्लेरेशन है, इसमें आई एम एन एजेंट है, तो आपको एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरीके से फिर एक बार और से नोटिस आया है। इस नोटिस को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करना, इस नोटिस को जरूर पढ़ें आप लोग। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कैंडिडेट नेम, और इसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर डालना है, और इसके बाद नेशनलिटी में बहुत सारे लोग अदर डाल देते हैं इस समय, इसको आपको ध्यान देना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपको रियल मोबाइल नंबर डालना है जो हमेशा चालू रहेगा, और इसमें एक बार फिर से मोबाइल नंबर को इंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, वो भी आपको जो ईमेल आईडी आपके पास है जो हमेशा के लिए रहेगा, उस ईमेल आईडी को डालना है। फिर एक बार इंटर करना है ईमेल आईडी को। इसके बाद ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको फिर से डिक्लेरेशन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको आपको कर लेना है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी नीट पीजी 2021 में काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्हें नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम देना है, वो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर ले। साथ में जो नए स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, वैसे स्टूडेंट भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल जरूर कर ले। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।